हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और हमारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर चल रहा था उसको हम कंटिन्यू करते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है वो है, देखो देयर, लास्ट क्लास में मैंने आपको बेटा कलर कोडिंग के बारे में बता दिया था। कलर कोडिंग से क्वेश्चन हो सकता है। कलर कोडिंग में कलर से रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से कलर, ठीक है। अब देखो देयर, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था बेटा रेजिस्टिविटी का, कि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन, डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको गिवन है एक्स इक्वल टू 4 ओम एंड वाई इक्वल टू गिवन है बेटा आपको 12 ओम इंटू मीटर। ये आपको x और y की वैल्यू गिवन है, ओके। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ ये रहा है कि इफ लेंथ इज हाफ, इफ लेंथ इज हाफ देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की न्यू वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है बेटा, ये तो आपको पता है ओम है, रेजिस्टेंस है, लेकिन ये रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता है डायमेंशन पर, लेकिन रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। तो आपको पता है बेटा कि जो रेजिस्टेंस है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के होता है, ठीक है। आपको पता है कि जो एक्स है वो कितना बेटा 4 ओम है, लेंथ को हाफ कर रहा है, तो नया एक्स जो है वो भी कितना होगा बेटा, हाफ हो जाएगा। बट बाई की जो वैल्यू है ये रजिस्टिविटी है, तो ये डायमेंशन पर डिपेंड करती नहीं है। तो इस केस में हम देखें तो रजिस्टिविटी की वैल्यू क्या रहेगी, वही रहेगी बेटा। क्लियर आ तक? इसके बाद आपको डायग्राम पूछ सकता है, तो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल का डायग्राम और एक इंटरनल रजिस्टेंस फाइंड आउट करने का यूजिंग द पोटेंशियोमीटर, ये दोनों डायग्राम पूछ सकता है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो डायग्राम का ही है। तो देखो देयर, पोटेंशियोमीटर का जो डायग्राम है बहुत आसान है। प्राइमरी सर्किट तो इसका बिल्कुल सेम रहता है, ये इसका प्राइमरी सर्किट है। ईएमएफ कंपैरिजन के लिए दो सेल लेंगे हम, ये E1, ये E2, ये बैटरी E, K, रियोस्टेट करंट फ्लो करेगा, ये एक्स, इधर हम क्या करते हैं बेटा बाई, और इधर जेड, ये टू वे की है, ये गैल्वेनोमीटर है, और ये क्या बेटा जॉकी है। तो ये क्या है कि ईएमएफ जो हैं सेल्स के उनको कंपैरिजन करने का डायग्राम आपको ध्यान से देखना है। ये आपके मॉडल पेपर में भी आपको गिवन है, राजस्थान बोर्ड 2022 का जो मॉडल पेपर है उस मॉडल पेपर में भी आपको ये डायग्राम पूछा गया है, एक नंबर में, ठीक है। यहाँ पर मैं दूसरा डायग्राम जो है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का प्राइमरी सेल का, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पोटेंशियोमीटर का डायग्राम प्राइमरी सर्किट का तो बिल्कुल सेम होता है, ये तो आपको एज इट इज बनाना ही है। नेक्स्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं पैरेलल में, एक की लगाते हैं, फिर ये गैल्वेनोमीटर और फिर जॉकी, ठीक है बेटा। ये ई, ये रेजिस्टेंस बॉक्स, K2, EP बोलते हैं प्राइमरी सर्किट, K1, RH, और ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का ये हमारा दूसरा डायग्राम है। पहला तो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल, और यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का डायग्राम, ओके। इसके बाद में बेटा आपसे वाला डेरिवेशन मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको I बराबर NEAVD वाला रिलेशन आपको ध्यान रखना है, जिसको मैंने I बराबर वीना से आपको कराया था। इसके बाद में आपको एक रिलेशन और है, J इक्वल टू सिग्मा E आपको प्रूफ करना है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन,
तो आपसे बोलेगा कि प्रूव दैट J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेसिस पर आपको J इक्वल टू सिग्मा ई प्रूफ करना है। देखते हैं यहां पर कैसे सॉल्यूशन देखें इसका। आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, हमें पता है कि I इक्वल टू कितना होता है, एन ई ए वी डी। आपको ये भी पता है कि वी डी जो है ना वो कितना होता है, ई ई टाओ अपॉन एम। इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, दोनों इक्वेशनों को कंबाइन करते हैं तो I इक्वल टू एन ई ए और वी डी की जगह ई ई टाओ अपॉन एम। यहाँ से हम देखें I बराबर एन ई स्क्वायर ए टाओ अपॉन एम इंटू कितना बेटा, E। क्लियर ना तक? दोबारा से देखो कि I इक्वल टू एन ई ए वी डी, वी डी कितना होता है, ई ई टाओ अपॉन एम होता है। इस वैल्यू को मैंने यहाँ रखा तो I की वैल्यू कितनी आ गई है, एन ई ए वी डी की जगह ई ई टाओ अपॉन एम। ए को मैं इधर ला रहा हूँ तो I अपॉन ए इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए अपॉन एम इंटू ई। ये आपको पता है कि I अपॉन ए करंट डेंसिटी होता है, J बन गया। ये आपको पता है ये क्या होता है, कंडक्टिविटी होती है जो कि सिग्मा है, और ये E है तो कितना बेटा E, तो J बराबर सिग्मा E। ये आपको क्या करना बेटा, प्रूफ करना है। ओके, इसके बाद में आपको सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में हम यदि देखें तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आपसे पूछा जा सकता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या है, और क्योंकि 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन डिसाइडेड है इस चैप्टर से, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एंड व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन आपसे पूछी जा सकती है। तो ये दो टॉपिक और देखते हैं, इसके बाद में हम न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे इसका। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मैंने आपको पहले भी बताया था, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इसे देखना है आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की यदि बात करते हैं तो ये आपको देखना है, ठीक है। इसको बता दे रहा हूँ एक बार फिर से कि कॉम्बिनेशन के लिए हमें दो सेल चाहिए, पहला सेल और दूसरा सेल, ये E1 R1 E2 R2। जब हम सेल सर्किट में यूज करते हैं तो डिस्चार्जिंग का केस होता है बेटा, यही करंट ऐसे आएगा प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V1 मान लें और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V2। तो V1 की कंडीशन यदि हम देखें तो V1 कितना होगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये कितना बेटा E1 माइनस का I इंटू R1। तो प्लस माइनस माइनस प्लस, आपको पता होना चाहिए बेटा कि जब दो या दो से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स, व्हेन टू और मोर देन टू वोल्टेज सोर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन रिजल्टेंट जो है आइदर सम और इन डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द पोलरिटी, पोलरिटी में डिपेंड करेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, अपोजिट पोलरिटी के हैं तो क्या होगा, माइनस होगा, यदि सेम पोलरिटी के होते तो क्या होता, प्लस होता। तो यहाँ पर V1 कितना होगा, प्लस माइनस, प्लस का है E1 माइनस I इंटू R1। सिमिलरली V2 की यदि वैल्यू देखें तो E2 माइनस I इंटू R2, ठीक है। लेकिन हम टोटल पोटेंशियल यदि देखें तो हम इसको क्या करेंगे कि टोटल पोटेंशियल जो होगा वो तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 होगा। इक्वेशन नंबर 3, दोनों वैल्यूज को यहाँ रखते हैं तो V इक्वल टू कितना होगा, E1 माइनस का I इंटू R1 प्लस E2 माइनस का I इंटू R2। तो V इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस का I R1 प्लस R2। क्लियर बेटा तक? तो E1 प्लस E2 माइनस का I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2, इस वाले टर्म्स को हम बोल देते हैं E इक्वल
और इस वाले टर्म्स को हम बोल देते हैं आर इक्विवेलेंट। तो आप देखो बेटा इधर कि ये जो है वो क्या बन गया, V इक्वल टू इक्विवेलेंट माइनस का आई इंटू आर इक्विवेलेंट, यानी कि इस सेल को मैंने कंबाइन किया तो इस सेल का कॉम्बिनेशन जो है हम इस तरह से बना सकते हैं, ये इक्विवेलेंट और इधर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि आर इक्विवेलेंट है। यदि मैं इसको बेटा एक्सटर्नल लोड से कनेक्ट करता हूँ तो इसमें करंट फ्लो करने लगेगा, और करंट फ्लो करने जो लगेगा उस करंट को हम फाइंड आउट यदि करें तो देखो करंट कितना होगा, आपको पता है आई बराबर कितना होगा, वी अपॉन आर, तो इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट, क्योंकि इसका पोटेंशियल कितना है इक्विवेलेंट, ये तो सीरीज में तो आर प्लस आर इक्विवेलेंट, तो ये क्या था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, इसके बाद में आपको एक कंडीशन और देखनी है व्हीटस्टोन ब्रिज की, जो कि बैलेंसिंग कंडीशन है, वो मैं और आपको बता दे रहा हूँ कि बैलेंसिंग कंडीशन जो है व्हीटस्टोन ब्रिज की जो है वो क्या है। ओके, तो यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में जो देख रहे हो आप कि जो वी आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वो कितना आ रहा है इसका इक्विवेलेंट माइनस का आई इंटू आर इक्विवेलेंट। अब हम देखते हैं इधर व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंसिंग कंडीशन इंपॉर्टेंट है। देखो देर तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसकी हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करते हैं बेटा फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर भी हम ऐसा करते हैं, ये फोर रेजिस्टेंस से मिलकर के बना होता है क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कनेक्शन है, ये डायग्राम है। इसमें हम करते क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल K1 को हम ऑन करते हैं, सर्किट में करंट फ्लो करते हैं I। ये यहाँ पर क्या होता है बेटा, डिवाइड होता है, लेट सपोज ये I1 और ये I2। अब हम करते क्या हैं, K2 को ऑन करते हैं, K2 को क्या करते हैं ऑन, तो इसमें क्या होगा बेटा करंट जो है वो फ्लो होता है। ठीक है, तो लेट सपोज इस कैलोमीटर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना बेटा IG, I1 इधर से आया IG इधर से चला गया तो कितना बेटा I1 माइनस का IG, IG इधर से आया I2 इधर से आया कितना I2 प्लस IG, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम देखें तो IG से IG कट जाएगा, I1 प्लस I2 जो कि I था वो I इधर से आ जाएगा। तो दोबारा से देखो, I इधर से फ्लो किया, डिवाइड हुआ I1 प्लस I2, हम K2 को ऑन करते हैं, करंट इसमें IG फ्लो करेगा, I1 में से IG चला गया I1 माइनस IG, I2 इधर से आ रहा है, IG इधर से आ रहा है I2 प्लस IG। ओके, अब हम करते क्या हैं, ये जो R है ये बेटा ये क्या होता है वेरिएबल रजिस्टर होता है, हम इसको इस तरह से सेट करते हैं कि B और D पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल है वो क्या रहे बेटा सेम रहे। तो पोटेंशियल जब सेम रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने की वजह से इस गैलोमीटर में क्या आएगा, नल डिफ्लेक्शन आएगा। नल डिफ्लेक्शन का मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, उसी को हम बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन। तो यहाँ पर हम करते क्या है कि इस पहले वाले लूप में और इस दूसरे वाले लूप में हम KVL लगाते हैं। तो KVL आप जैसा मेथड लगाएं वैसा लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा मेथड है। आपको ध्यान रखना है कि जो भी रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस है लोड जो भी होते हैं उनके अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा वो प्लस टू माइनस फ्लो करता है, क्या करता है प्लस टू माइनस। और KVL लगाते समय ध्यान रखना है, आपको जो भी बताया होगा टीचरों ने, जो भी बताया होगा कि यदि ड्रॉप हो रहा है तो प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, यदि गेन हो रहा है तो ये सारी चीज़ें, इनमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि प्लस और माइनस। मैं आपको बहुत ही ईजी मैथड बता रहा हूँ, वो मेथड कौन सा है कि बेटा जो साइन पहले आए उसे कंसीडर करें, जो साइन पहले आए उसे कंसीडर करें, लेकिन ध्यान रखना है पहले आप मार्क कर लें कि लोड के अक्रॉस जो है वो करंट जो है कैसे फ्लो करेगा प्लस टू माइनस। ओके, तो यहां पर भी मैं मार्क कर लेता हूं, तो देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है प्लस माइनस प्लस
माइनस, इधर से फ्लो कर रहा है प्लस माइनस, इधर फ्लो कर रहा है प्लस माइनस, इधर फ्लो कर रहा है प्लस माइनस। ओके, सबसे पहले लूप वन में हम केवीएल लगाते हैं। लूप वन जो है वो क्या है, लूप वन, लूप वन की यदि बात करें तो यहां से स्टार्ट हो रही है, यहीं पर आएंगे और जो साइन पहले आएगा उसे हम कंसीडर करेंगे। तो यहां से चला प्लस मिल रहा है, करंट कितना है आई वन, रजिस्टेंस कितना है पी, तो आई वन इंटू कितना बेटा पी प्लस का, फिर इधर आ गए प्लस है, प्लस करंट कितना है आई जी, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना बेटा जी है, इधर आ गए, इधर आए क्या मिल रहा है बेटा माइनस, करंट कितना है आई टू, रेजिस्टेंस कितना है आर बराबर जीरो। इसको जो है हम इक्वेशन नंबर वन कंसीडर कर ले रहे हैं। सिमिलरली हम बेटा टू में हम क्या करेंगे, केवीएल लगाएंगे लूप टू, और लूप टू की यदि बात करते हैं तो लूप टू यदि हम देखें तो यहाँ से चलते हैं बी पॉइंट से, और बी पॉइंट पर ही वापस आ जाएंगे। पहले प्लस है तो कितना होगा आई वन माइनस का आई जी इंटू रजिस्टेंस कितना है क्यू, इधर आ गए माइनस मिला माइनस, करंट कितना है आई टू प्लस आई जी इंटू एस, इधर चले माइनस मिला आई जी इंटू कितना बेटा जी इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर टू। अब आपको पता है कि बैलेंसिंग कंडीशन में होगा क्या कि जो गैल्वेनोमीटर है इसमें बेटा कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, नल डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर हम बोलेंगे बेटा आई जी की वैल्यू कितनी बेटा जीरो, किस केस में बेटा बैलेंसिंग कंडीशन में। तो इक्वेशन नंबर वन देखो क्या बन रहा है, आई वन इंटू पी ये तो जीरो हो गया, माइनस का आई टू इंटू आर इक्वल टू जीरो, आई वन इंटू पी इक्वल टू आई टू इंटू आर, इक्वेशन नंबर थ्री। सिमिलरली इस वाले को हम देखें तो देखो इधर आई वन माइनस का जीरो इंटू क्यू माइनस आई टू प्लस जीरो इंटू एस माइनस जीरो इक्वल टू जीरो, तो आई वन इंटू क्यू माइनस का आई टू इंटू एस इक्वल टू जीरो, आई वन इंटू क्यू इक्वल टू आई टू इंटू एस, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर फोर। ओके, अब हम करेंगे क्या, इक्वेशन थ्री और फोर को डिवाइड मारते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थ्री डिवाइडेड बाय फोर तो कितना होगा आई वन पी अपॉन आई वन क्यू इक्वल टू आई टू आर अपॉन आई टू एस। तो आई वन से आई वन, आई टू से आई टू, क्या बना पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। दिस इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंसिंग कंडीशन क्या है। क्लियर बेटा तक? तो ये जो क्वेश्चन थे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितने बन सकते थे वो मैं सारे आपको बताएं, वो आप फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार फिर रिमाइंड करा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मैं वही ब्लू प्रिंट के बेसिस पर आपको बता रहा हूँ कि जो आपका ब्लू प्रिंट है राजस्थान बोर्ड 2022 का, उसी बेसिस पर हम बता रहे हैं कि 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल्स डेरिवेशन जो छोटे छोटे डेरिवेशन हैं वो मैं आपको करा चुका हूँ, एक बस मुझे न्यूमेरिकल कराना है। न्यूमेरिकल्स देखो कौन कौन से, तो न्यूमेरिकल्स एक मैं व्हीट स्टोन ब्रिज से लूँगा, एक मैं मीटर ब्रिज से लूँगा, एक मैं जो है वो केवीएल केसीएल से लूँगा, एक मैं लूँगा केवीएल से, और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का, और उससे बेटा करंट और वोल्टेज। तो ये मैं 5-6 न्यूमेरिकल्स कल की क्लास में एक ही वीडियो में डाल दूंगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, और मेरा चैप्टर नंबर थर्ड जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फिनिश हो जाएगा। यदि आपको फिर भी यदि कोई परेशानी है, आपको कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मेरे से क्या कर सकते हैं, मेरा पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स जो हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।